असलम वेलकम बैक टू दी न्यू रिएक्शन वीडियो और अभी जी स्टूडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो और वीडियो का टाइटल है पी सी सी आई वर्सेज पी सी बी हाउ आई पी पाकिस्तान क्रिकेट ओके ओके इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मुझे मुझे हसीस लिए आ रही है कि मतलब वीडियोस के टाइटल से थोड़ा सा फनी लग रहा है मुझे कि कुछ okay. ऐसा होने वाला है कि जिसमें कुछ गलतियां हैं खैर इस रील वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नूर के रिएक्शन देखने हैं तो इसके चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में से सब्सक्राइब करें और वहाँ पर इसको भी सजेस्ट कर सकते हैं नूर को तो लेट्स को इसको जाके देखते हैं है क्या इसमें। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने आईपीएल को लेकर ये बात कही थी अभी कौन है अभी ये है ना। कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने एल को कामयाब बनाने के लिए तमाम इधारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा इवेंट और अच्छा दूसरी वजह की पी एस एल भी नजम से Mm -hmm. तब Good. भी ये था बोर्ड का चेयरमैन और फिर अभी बीच में रमीज राजा आया था तो अब दोबारा ये बन गया की रिकॉर्ड सेल हुई है डिजिटल पर रेटिंग 10 पर रही जो आईपीएल से आगे है इसके अलावा जो डिजिटल रेटिंग थी सर रेटिंग अपने अपने कंट्री तो की अलग होती है फीडबैक मिली जब हम जो मॉनिटर करते हैं ओवर 150 मिलियन पीपल ये कोई छोटी बात नहीं है इसी स्टेज पे आईपीएल की रेटिंग डिजिटल की 130 मिलियन के करीब थी और हमारी 150 मिलियन से भी ज्यादा है। hey, so पाकिस्तान नजम सेटी का कहना है कि ने व्यूअरशिप के मामले में आईपीएल को हरा दिया अब इस बात का जवाब मैं बहुत पहले देना चाहता था पर मैंने सोचा कि कुछ दिनों में क्रिकेट की नंबर वन लीग आईपीएल शुरू होने वाली है तो क्यों ना पहले उसकी वैसे वन लीग के वैसे आईपीएल नंबर कोई जवाब क्यों हमें कुछ भी नहीं है पर देखो प्रोपागेंडा करने में पाकिस्तान हमेशा ऐसी बहुत आगे रहता है और भारत हमेशा ऐसी इसको इग्नोर करता आ रहा है पर अब सोशल मीडिया के जमाने में हमें जवाब देना बनता है और पाकिस्तान को उसकी औकात बताना भी बनता है दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की आई पी एल पी एस एल और पाकिस्तान बर्बाद कर रहा है तो जानने के लिए जुड़े रहे तो गो चेयरमैन 2023 में पूरे पी एस एल की व्यूवरशिप डेढ़ सौ मिलियन यानी कि 15 करोड़ है और पी एस एल ने आई पी एल को व्यूवरशिप के मामले में बीट कर दिया ऐसा हो नहीं आई पी एल की व्यूवरशिप वन पॉइंट फोर सेवन बिलियन यानी कि 147 करोड़ है जी हाँ 147 करोड़ पूरे पीएसएल की जितनी व्यूवरशिप है उसका 10 गुना व्यूवरशिप आईपीएल के सिर्फ पहले विकेट में है। आई है आईपीएल के ओपनिंग डे में 140 मिलियन व्यूवरशिप थी आईपीएल के पहले मैच को इतने ज्यादा व्यूवर्स देख रहे थे गलती होगी होगी उनको नहीं समझ आई हो और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है जब आई पी एल लैंड होगा नहीं समझ आई होगी बाई मिस्टेक हो होगी बोलेंगे की नजम सेटी ने कहा की जब आई का एट सीजन था तब उसकी व्यूवरशिप 120 मिलियन थी वहीं पीएसएल के सीजन एट की व्यूवरशिप 150 मिलियन है तो देखो जब आईपीएल का सीजन एट हुआ था तब 2015 चल रहा था और उस अच्छा, समय पी शुरू के... भी नहीं हुआ था इसके अलावा 2015 में इंटरनेट फास्ट भी नहीं था और इतना सस्ता भी था। नहीं था इसके अलावा उस समय 4G भी नहीं हाँ, था और ना ही उतने ज्यादा प्लेटफॉर्म थे तो लाइव मैच देखना उतना आसान नहीं था तो नजम सिटी ने इस समय बकवास किए और में मोस्टली नहीं, नहीं, अच्छा और, 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 तो तो और मोस्टली जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना कहीं पे बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे या कुछ ऐसा तो हो सकता है बंदे के मुंह से निकल गया हो ना काउंट किया हो इंटरनेट को इतना ना जानता हो एक बंदा नहीं दूसरी बात ये उन्होंने अभी के आईपीएल से कंपेयर नहीं किया उसके सीजन पी को पीएसएल के सीजन सीट से कंपेयर वो से ये कह रहे हैं कि कुछ हा, हा, लोगों ने, ने हमें है। अच्छा, ये, ये कहा है। ये ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये आके कहेंगे कि उस टाइम में इतनी कम थी तो उसके साथ कंपेयर किया था उस टाइम पे तो पाकिस्तान में पी था भी नहीं था हमने तो बहुत लेट किया है नजम सिटी और पाकिस्तान को उसके औकात बताने वाला हूँ की आईपीएल okay. के सामने पी एस एल कुछ भी नहीं है, है। दोनों लीग की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो आईपीएल के सेवन टीम की वैल्यूएशन वन बिलियन डॉलर से ज्यादा है वहीं पी में किसी भी टीम की वैल्यू 100 मिलियन तक भी नहीं पहुंच पाई है आईपीएल जब शुरू हुआ था तब वो एक यूनिकॉर्न था मतलब 2008 में आई की वैल्यू 1 बिलियन डॉलर थी वहीं अब आईपीएल एक डेकाकॉन टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी तो सौ बिलियन डॉलर हो चुकी है वही पी के आठ सौ जीत चुके हैं और वो अभी तक वन बिलियन डॉलर की लीग तक नहीं बन पाई इसके अलावा टाटा आई पी एल फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग है इस समय आई पी एल दुनिया के टॉप लीग्स में से एक है आईपीएल NFL, फुटबॉल बास्केटबॉल okay. और पहले नंबर पे फिर भी वही आ रहा है फुटबॉल अच्छा फुटबॉल ज्यादा देखा भी जाता है खेला भी है तो इस चीज से आप आईपीएल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं वहीं पीएसएल सिर्फ एक रैंडम लीग है और कुछ भी नहीं है तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा नहीं, कि ऐसे रैंडम भी, भी नहीं, नहीं कह सकते वैसे आप जानते हैं की पी और आईपीएल को ब्रॉडकास्टिंग राइट right से कितना पैसा मिलता है पाकिस्तान को, बोत को, बोत को पी एस एल के दो साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए सिर्फ ट्वेंटी मिलियन डॉलर मिले पाकिस्तानी रूपी में छे करोड़ रूपए इंडियन रूपी में दो करोड़ रूपए वही बीसीआई को आईपीएल के पाँच साल के लिए अड़तालीस करोड़ रूपए मिले 6.1 बिलियन डॉलर डिजनी ने पांच साल बिलियन डॉलर करोड़ रुपए में खरीदा है इतना तो हमारा आई एम एफ से लोन है <laughs> ये एक आईपीएल का पैसा मेरे ख्याल से हमें उधर ही देना पड़ेगा यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी ने पांच साल के लिए आईपीएल का डिजिटल राइट तेईस हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ रुपए थ्री पॉइंट जीरो फाइव बिलियन डॉलर्स में खरीदा है इसके अलावा टाइम्स ग्रुप ने आईपीएल का टीवी और डिजिटल राइट यूएस और मिडिल ईस्ट रीजन के लिए चार सौ तिरसठ करोड़ रुपए में खरीदा है सिक्सटी मिलियन डॉलर मिलियन डॉलर नेशनल फुटबॉल लीग एन एफ एल के बाद आईपीएल वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट वैल्यूड स्पोर्टिंग इवेंट बन गया तो कहाँ पी एस एल की वैल्यू चौबीस मिलियन डॉलर और कहाँ आई की वैल्यू छह बिलियन डॉलर अब यहाँ पे पाकिस्तानी बोलेंगे कि आई 2008 में शुरू हुआ था पी 2016 में शुरू हुआ सोलह में बट देखो, देखो वहाँ पर और हाँ, पीएसएल का सीजन सब कम... चीज़ है सबसे बड़ी चीज होती है व्यूअरशिप इंडिया के लोग देखो 140 करोड़ करोड़ और हमारे 22 करोड़ हमारे 22 करोड़ है है ना तो व्यूअरशिप ज्यादा बाईस वहाँ पे व्यूअरशिप ज्यादा होगी तो ज्यादा महंगी चीज बिकेगी बिल्कुल ज्यादा आएगी करें तो आई सीजन एट की वैल्यू दो में वन बिलियन डॉलर थी वही पी एस की वैल्यू चौबीस मिलियन डॉलर है आई पी okay. के सामने पी कुछ भी नहीं है इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो जैसे कि पी से पहले एच बी लिख के आता है और पूरा एच बी एल पी एस जाता है तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एच ने दो साल के लिए 14.3 मिलियन डॉलर्स यानी कि 380 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए हैं इंडियन रूपी में 125 करोड़ रुपए वहीं आईपीएल को सिर्फ एक साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ने सिक्सटी मिलियन डॉलर दिए हैं इंडियन रूपी में चार सौ अट्ठानबे करोड़ रूपए अब बात करते हैं अर्निंग की तो आईपीएल से बीसीसीआई पर मैच एक सौ सात करोड़ रूपए कमाता है वही पी एस एल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मैच सिर्फ टू पॉइंट फोर करोड़ों रूपीज कमाता है पीएसएल से ज्यादा तो कमाई वुमेन्स आईपीएल की होती है जहाँ पी एस एल का पर गेम टू पॉइंट फोर करोड़ों रूपी का होता है वही वुमेन्स आईपीएल का पर गेम सात करोड़ रूपए का होता है अब इससे ज्यादा शर्म की बात तो पाकिस्तानियों के लिए हो ही नहीं सकती है वही पी एस एल में रहे कितने लोग रहे हैं भाई है लोग कितने रूपीज मिलता है पीएसएल में प्लेयर्स की कैटेगरी बनी होती है जैसे कि प्लेटिनम गोल्ड जो टॉप के प्लेयर होते हैं वो प्लेटिनम कैटेगरी में होते हैं और उन्हें फिक्स्ड 1.3 करोड़ इंडियन रूपीज मिलता है पीएसएल में ऑक्शन नहीं होता है या फिर

करोड़ों में खरीदे हाँ तो 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 देखो वहां पर, पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोग ज्यादा हैं वो लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे होते हैं उनके स्पॉन्सर्स ज्यादा हैं सारी चीजें तो वो दे सकते हैं यहाँ पर इतने ज्यादा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दिखाएंगे हाँ जितने में आना आ जाओ आ जाओ तो वुमेन आईपीएल में प्लेयर्स को मिलता है बाबर आजम की प्राइस 1.3 करोड़ रुपीस है वहीं स्मृति मंदाना की प्राइस 3.4 करोड़ रुपीस है स्मृति मंदाना को बाबर आजम से ज्यादा पैसे मिलते हैं वैसे यहां पे मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ अगर आपको पाकिस्तानी रुपए में जाना है तो इंडियन रुपी का तीन गुना कर दो प्राइज मनी की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग पी में विनर्स को आठ करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलता है इंडियन रुपी में टू करोड़ रूपीज वही आईपीएल में विनर्स को बीस करोड़ रुपए मिलता है तो दोस्तों जैसे की आपने देखा की आईपीएल के सामने पी कुछ भी नहीं है इसके अलावा आई हर साल न्यू न्यू रिकॉर्ड बना रहा है। वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट वैल्यूड स्पोर्टिंग इवेंट बन गया

दो दो तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और हा... अच्छा मतलब ठीक है बातें ठीक थी उसकी लेकिन वो जो औकात बता चीजें होती हैं नहीं असल आ, में कब बोला कि आईपीएल बड़ा नहीं हम तो कहते हैं आईपीएल पी क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है लेकिन सेकंड पे फिर भी पी एस एल आता भले तुम लोग उसको जितना मर्जी छोटा समझो हाँ, देखो आ, अगर वो तुम्हारे वाली बात है ना कि वहाँ पर लोगों की तादाद ज्यादा है वो लोगों की इस वजह से भी ज्यादा होती है और बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी पी एस एल के सारे मैचेस पाकिस्तान में हुए और पूरा स्टेडियम फुल कैपेसिटी में होता था हाँ, फुल जितनी होती है कैपेसिटी वो बिल्कुल फुल हुए हुए होते हैं और लोग आते हैं देखते हैं जो लोग नहीं जा पाते वो लोग घरों में बैठ के देखते हैं लाइव देखते हैं घर में PSL ही लगा हुआ होता है। है, सी बात, बात है। है, यही चल रहा होता है और हमारे वो नॉर्मल जो मोबाइलों में दूसरा स्टेटस लोगों के यही हाँ। चल रहे होते हैं। के के से नहीं आती जितनी हमारी एक मैच से आ जाती है <laughs> तो खैर वीडियो ठीक ठाक थी मतलब अच्छी थी बट सिर्फ वो जो थोड़ा सा लूज टॉक है ना वो नहीं होनी चाहिए किसी भी वीडियो के अंदर ना हमारी तरफ से ना किसी और की तरफ ऐसी तो एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह